Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. Substation equipment drawing reading series में आज हम देखेंगे बैटरी चार्जर का ड्रॉइंग किस तरह से रीड करते हैं और उसमें आज हम देखेंगे कि फ्लॉट चार्जर का जो ड्रॉइंग होता है उसको किस तरह से रीड करते हैं। सबस्टेशंस में बैटरीज होती है तो वो बैटरीज किस तरह से काम करती है, उसका मेंटेनेंस किस तरह से होता है और उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह से होता है वो हमने वीडियो बना के रखे हुए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे रेफर करिएगा। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि सबस्टेशन में मेनली जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो डीसी सप्लाई के ऊपर काम करता है, तो उसके लिए वहां पे एक बैटरी सेट रहता है कि जो बैकअप सप्लाई डीसी दे सके, और बैटरी सेट है तो बैटरी चार्जर भी जरूरत पड़ेगी। तो बैटरी चार्जर जो कि एसी से डीसी कन्वर्ट करता है और कंट्रोल पैनल को सप्लाई देता है और बैटरी को चार्ज रखता है, सही है। तो यहां पर हमारा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल और बैटरी सेट, तो इन दोनों के लिए हमें बैटरी चार्जर की जरूरत पड़ेगी। बैटरी चार्जर में मेनली बूस्ट फ्लॉट एंड डीसी डीबी तीन पैनल रहती है। अभी ये जो चार्जर है वो सर्वे लिंक का बैटरी चार्जर है, तो उसका ड्रॉइंग रीडिंग किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे, जिससे आपको कोई भी बैटरी चार्जर बाद में आपके सामने आए तो उसका ड्रॉइंग रीडिंग आप कर सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बैटरी चार्जर किस तरह से काम करता है, जिसमें हम एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को देते हैं, ट्रांसफार्मर जो होता है वो उसे हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है एसी, फिर उसके बाद रेक्टिफायर सर्किट आती है और रेक्टिफायर सर्किट जो होती है वो हमारे फ्लॉट बस में जाती है और फ्लॉट बस से कंट्रोल पैनल को सप्लाई मिलता है। उसी तरह से जो हमारी बैटरीज है तो बैटरीज को भी टोटल वोल्टेज सप्लाई मिलते हैं जो कि बूस्ट चार्जर से मिलते हैं, और फ्लॉट चार्जर सिर्फ ऑन हो तब फ्लॉट चार्जर भी उसको पूरी बैटरी को चार्ज करता है। तो ड्रॉइंग हम देख के ये चीज पूरी समझेंगे कि ड्रॉइंग में किस तरह से ये दिया गया है। जैसे कि हमने आगे ड्रॉइंग में देखा, कोई भी अगर बैटरी चार्जर आपके पास होगा तो उसमें इस तरह का ड्रॉइंग होगा। तो यहाँ पे हमने कलर करके दिया है जो आइडेंटिफिकेशन है एसी सप्लाई का, और उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट है, और रेक्टिफायर सर्किट के बाद यहाँ पे डीसी सप्लाई जनरेट होता है जो कि बैटरी की तरफ जाता है। सेम उसी तरह से फ्लोट चार्जर है तो उसमें एसी सप्लाई है और ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर सर्किट है और डीसी सप्लाई बन के जाता है हमारे कंट्रोल पैनल में, और हमारी बैटरी को भी वो चार्ज करता है, ठीक है। किस तरह से करता है वो देखते हैं। देखिए, आप कोई भी बैटरी चार्जर का ड्राइंग देखेंगे तो उसमें एसी सप्लाई देने की प्रोविजन रहेगी। एसी सप्लाई सबसे पहले जाता है एसी के बस में, और उस बस के बाद सप्लाई जाता है या फ्लॉट कम बूस्ट चार्जर, यानी कि बूस्ट चार्जर में और फ्लॉट चार्जर में, ठीक है। तो हम अपना बैटरी चार्जर देखते हुए इस ड्राइंग को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो चार्जर है, उस चार्जर में ये सेक्शन है वो हमारा बूस्ट सेक्शन है और ये सेक्शन है वो हमारा फ्लॉट सेक्शन है। तो नॉर्मली फ्लॉट सेक्शन हम पहले देखेंगे, क्योंकि फ्लॉट सेक्शन से हमारे कंट्रोल पैनल को सप्लाई मिलता है रेगुलरली। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे सप्लाई देना होता है। तो सप्लाई कहाँ देंगे, तो बैटरी चार्जर के पीछे की ओर आपको इस तरह की पैनल मिलेगी जहाँ पर आपको R, Y, B एंड न्यूट्रल देना है। उसके बाद
यहाँ पर एक स्विच दी गई है S26। तो आप ये दोनों डोर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की पैनल मिलेगी। इस पैनल में आपको ये मेन स्विच मिलेगी SW26। इस स्विच को ऑन करते ही हमारे जो बैटरी चार्जर का बस है उसमें सप्लाई पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सप्लाई जो है वो कहाँ जा रहा है, तो बूस्ट सेक्शन में SW1 से जा रहा है और फ्लोट सेक्शन में SW8 से जा रहा है। तो अब हम फ्लोट चार्जर जो है वो किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। तो फ्लोट चार्जर जो है, फ्लोट चार्जर में एक यहाँ पे स्विच दी गई है AC इनपुट फॉर फ्लोट चार्जर, राइट। तो ये जो स्विच है वो हमारी SW8 है। तो यहां से हम ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा थ्री फेज सप्लाई जो है वो यहाँ पे फ्यूज में जाएगा। फ्यूज कहाँ पर है, तो फ्यूज हमारी इस पैनल को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक और चीज समझते हैं कि जो फ्लोट का दरवाजा है उसके पीछे जो भी होगा वो फ्लोट चार्जर का सर्किट है, और बूस्ट का दरवाजा है उसके पीछे जो भी होगा वो बूस्ट चार्जर है। तो यहाँ पर हम फ्लोट चार्जर का दरवाजा ओपन करेंगे तो यहाँ पर इतना जो है वो पूरा हमारा फ्लोट चार्जर है। तो यहाँ पर ये जो चार फ्यूज है वो ये फ्यूज है, देखिए बड़ा करके देखते हैं तो देखिए FS14 से लेके FS16 एंड NL2 यानी कि लिंक 2 न्यूट्रल लिंक, सही है। तो FS14 15 16 एंड न्यूट्रल लिंक। तो यहाँ पर ये फ्यूज के बाद हमारा सप्लाई जो है वो जाएगा LEDs में, यानी कि हमारा सप्लाई ऑन हुआ है उसका इंडिकेटर। यहाँ पे एक और चीज है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो कि इस फ्यूज को सुपरवाइज करती है और हमें AC फेल का इंडिकेशन देती है। देखिए यहाँ पर ये जो तीन LEDs है वो हमें AC सप्लाई सुपरविजन के लिए दी गई है, जो कि यहाँ पर सप्लाई मिलेगा और वो ये ऑन हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्लोट में AC सप्लाई पहुंच गया है। उसके बाद ये जो AC सप्लाई है वो नेक्स्ट सीट में जा रहा है, यानी कि सीट नंबर 5, जहां पर B1, B2 एंड B3 बन के जा रहा है। तो हम डायरेक्टली सीट नंबर 5 पे जाएंगे। सीट नंबर 5 पे आते ही यहाँ पर हमें मिलेगा कि सीट नंबर 3 से B1, B2 एंड B3 आया है, वो थ्री फेज सप्लाई है तो वो अभी ट्रांसफार्मर में जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि 440 वोल्ट से 110 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है AC सप्लाई को। उसके बाद जो वो AC सप्लाई है वो SCR सर्किट में जाता है जो कि हमारी रेक्टिफायर सर्किट है, और वहां से DC होके 110 वोल्ट DC आउटपुट बाहर निकल। चलिए चार्जर में देखते हैं। तो जो हमारा चार्जर है उसमें जो फ्लोट का दरवाजा है उसके पीछे हमको ये ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। ये ट्रांसफार्मर अगर ऊपर से देखें तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 440 वोल्ट इनपुट दिया गया है और ये जो है वो आउटपुट है 110 वोल्ट का। तो ये जो आउटपुट है वो अभी जाएगा हमारे रेक्टिफायर सर्किट में। रेक्टिफायर सर्किट में क्या होता है कि रेक्टिफायर में तीन डायोड होते हैं और तीन SCR होते हैं जो कि हमारा फायरिंग एंगल कंट्रोल करता है। तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया है वो हमारा रेक्टिफायर सर्किट है। देखिए इसमें एक डायोड, एक SCR, एक डायोड, एक SCR, एक डायोड, एक SCR, इस तरह से। इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट फ्यूज में जाता है जो कि हमारा DC फ्यूज है, राइट। तो यहाँ पर ये फ्यूज है जो हमारा SCR सर्किट से बाहर आएगा, तो सबसे पहले इस फ्यूज में आएगा सप्लाई। इस फ्यूज में यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो हमको DC का आउटपुट मिलेगा। फ्लोट का जो DC वोल्टेज आउटपुट है वो हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच में मिलता है। और ये जो तीन तीन फ्यूज है
वो तीनों फेज के फ्यूज है, राइट। इसके बाद जो आएगा तो वो है हमारा D8। D8 क्या है? तो D8 हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड है। रिवर्स ब्लॉकिंग किस तरह से कि अगर हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक अगर नेगेटिव सप्लाई दे दिया और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दिया तो हमारी इस सर्किट को वो प्रोटेक्ट करेगा। तो वो जो है वो यहाँ पर है, ये D8 जो है वो यहाँ पर है, तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, हमारे सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आगे जाएंगे तो इस ट्रांसफार्मर के पीछे हमको फिल्टर सर्किट मिलेगा, जो कि ये फिल्टर सर्किट है। फिल्टर सर्किट आपको मालूम होगा कि जब हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़े रिपल्स बच जाते हैं, तो वो रिपल्स को ये नलीफाई करता है और यहाँ पे हमें प्योर डीसी आउटपुट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक फ्यूज है और चार कैपेसिटर्स है, तो यहाँ पर एक फ्यूज है और ये चार कैपेसिटर है जो कि हमारा फिल्टर सर्किट है। फिल्टर सर्किट के बाद जो हमारा डीसी सप्लाई है वो Q1 एंड Q2 बन के सीट नंबर 6 में जा रहा है। तो अब हम देखेंगे सीट नंबर 6। सीट नंबर 6 में आते ही देखिए यहाँ पर हमारा डीसी सप्लाई आगे बढ़ रहा है जो कि फ्लोट सेक्शन का है। तो यहाँ पे सीट नंबर 5 से Q1 एंड Q2 आए हैं। अभी वो सबसे पहले यहाँ पे जा रहा है फ्यूज में FS24 एंड 25। तो वो फ्यूज हमें कहाँ मिलेंगे? चार्जर में। तो जैसे कि हमने देखा था कि फ्लोट चार्जर जो है उसके पीछे का सर्किट है उसके अंदर ये दो फ्यूज है वो हमारे फ्लोट डीसी के फ्यूज है, सही है। तो यहाँ पे हमें एसी दिया और यहाँ पे हमको डीसी मिला। तो आप चेक कर सकते हैं एसी यहाँ पर और डीसी यहाँ पर। इस फ्यूज को बड़ा करके देखते हैं तो देखिए FS24 एंड FS25 है, सही है। अभी उसके बाद यहाँ पे BD3 है। BD3 जो है वो भी एक प्रोटेक्शन डायोड है जो कि हमारी DC-DB पैनल में पीछे की ओर ऊपर लगा होगा। देखिए यहाँ पर है ये BD3। तो BD3 भी हमारा एक ब्लॉकिंग डायोड है, रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड, कि यहाँ पर अगर हमारा पॉजिटिव है तो उसको वो रिवर्स में फ्लो नहीं करवाएगा और यहाँ से ब्लॉक कर देगा, सही है। हमारा AC सप्लाई बंद है और DC यहाँ पर है तो वो रिवर्स में नहीं जाएगा, उसके लिए ये BD3 रखा है। उसके बाद हमारी जो मेन आती है वो स्विच आती है, DC आइसोलेशन स्विच फॉर फ्लोट। तो हमारी ये जो पैनल है उस पैनल में ही हमको DC आइसोलेशन स्विच मिलेगी। देखिए ये जो है वो हमारी SW10 DC आइसोलेशन स्विच है। तो जो हमारा फ्लोट आउटपुट है उसको हमें अगर बैटरी से और हमारे जो कंट्रोल पैनल के बस से डिसकनेक्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो DC है वो DC डायरेक्ट हमारे DC-DB में जा रहा है, ओके। तो DC-DB कहाँ पर है? तो देखिए हमारा DC-DB का जो पैनल है उसका डोर खोलेंगे तो उसके पीछे यहाँ पर बस मिलेगा DC-DB का। तो यहाँ पर अभी हमारा फ्लोट सप्लाई पहुँच गया है। देखिए यहाँ पर ये जो बस है वो DC-DB का बस दिखाई दिया गया है और वो जो बस है वो इस तरह से होता है। अभी यहाँ से कनेक्शन लेके स्विच में दिया गया है, सही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सारी स्विचेज है वो DC-DB की स्विचेज है और उसमें सारे कनेक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद फ्यूज दिए गए हैं आउटपुट के लिए, तो ये फ्यूज यहाँ पर रखे हैं और उसके बाद हमारा टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन चला जाएगा और यहाँ से हम आउटपुट DC ले सकते हैं,
स्विच नंबर 1 2 3 4 इस तरह से। तो और यहां से हमारा आउटपुट जो है वो कंट्रोल पैनल में जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्लोट चार्जर काम करता है। तो आज चार्जर के ड्राइंग में हमने जो हमारा फ्लोट चार्जर है वो देखा कि फ्लोट चार्जर में एसी टू डीसी सप्लाई किस तरह से होता है और कहां पर हमें डीसी आउटपुट मिलता है, और फ्लोट बस में जो डीसी आउटपुट मिलता है वो हमारी कंट्रोल पैनल में जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बूस्ट चार्जर का ड्राइंग रीडिंग किस तरह से करते हैं। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स, और अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो हम वो लेके आएंगे। थैंक यू।